हेलो एवरीवन आई एम राकेश मै जस्ट वेलकम यू ऑल गाइस टू अर ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल सो गाइस आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारा जो सी का एग्जाम होता है दैट इज चार्टर अकाउंटेंट का जो एग्जाम होता है उसकी क्या लेटेस्ट अपडेट है गाइज ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज जो भी हियरिंग थी सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने प्ली फाइल किया था फॉर द पोस्टपोनमेंट ऑफ एग्जाम्स बट क्या हियरिंग हुआ क्या डिसीजन आया वो सारा कुछ बताऊंगा मैं और क्या तुम्हारा क्या चांसेस बन रहे तुम्हारा एग्जाम पोस्टपोन होगा कैंसिल होने की तो बात ही नहीं है कैंसिल तो होगा नहीं सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम नहीं है जो कैंसिल हो जाएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है सो so, कैंसिल होने की तो बात ही नहीं है पोस्टपोन में क्या न्यूज है वो बताता हूँ कंड्यूसिव टाइम फॉर टू होल्ड सी एग्जाम्स एज कोविड नाइन्टीन स्प्रेड सब्सटेंसली लो आई सी ए आई टू सुप्रीम कोर्ट आईसीए हम सबको पता है कौन है यार और तुम यहां पे हो तो आईसीआई का मैं बताता हूं देख सकते हो यहां पे एंड डेफिनेटली uh, हमारा जो एग्ज़ाम है वो तो होगा ही फॉर श्योर होने वाला है क्या है ये रिपोर्ट में क्या है वो मैं सब कुछ बताऊंगा तुम देख सकते हो यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्ट अकाउंटेंट दैट इज आई सी ए आई ये जैसे होता है ना जैसे नीट और जे हमारा कंडक्ट करवाता है एन टी ए वैसे ही आई सी ए आई एक बॉडी है जो कि सी ए कंडक्ट करवाता है तुम सबको पता ही है यार ठीक है तो ये जो सुप्रीम कोर्ट में आई सी आई का मानना है कि ये अभी कंड्यूसिव टाइम है ये बेस्ट टाइम है जहाँ पे एग्जाम लिया जा सकता है क्यों क्योंकि अभी केसेस कम हो गई हैं ठीक है और सोच जहाँ तक मैं मेरी भी है तो ये सही है यार अभी केसेस भी कम हो रहे हैं और चांस भी है कि अच्छे से एग्जाम्स को ले लिया जाए और बिना ज्यादा रेस्ट से तुम देख सकते हो आईसीआई टोल्ड द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे दैट इट इज मोस्ट कंड्यूसिव टाइम टू होल्ड सी एग्जाम्स नाइनटीन स्पेड कोविड नाइनटीन स्प्रेड इन नाउ इज सब्सटेंशियली लो ऑफरिंग एन अपॉर्चुनिट मूवमेंट फॉर द चार्टर अकाउंट टू फर्दर देयर प्रोफेशनल कैरियर ठीक है तो ये एक प्रोफेशनल कोर्स है यार इसमें अगर जो भी अभी बेस्ट टाइम है अकॉर्डिंग टू आई सी ए आई टी है द सी एग्जामिनेशन विच वे कंडक्टेड बाई द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटर इन में वे पोस्टपोन ड्यू टू कोविड नाइन्टीन एंड नाउ शेड्यूल टू बी हेल्ड फ्रॉम फाइव जुलाई टू ट्वेंटी जुलाई ठीक है पांच से बीस जुलाई तक के बीच में इस एग्जाम को लेना है और आई थिंक यार अभी तो केसेज बहुत कम हो गए हैं सो सही है अभी एग्जाम्स को ले लेना ठीक है सो so पोस्टपोनमेंट की कोई बात नहीं है एंड आई सी आई टोल्ड द टॉप गवर्नमेंट टॉप कोर्ट एज ऑन डेट नंबर ऑफ केस आर कम्पेरेटिवली लो एंड दस इट विल बी द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कैंडिडेट इफ़ द एग्जामिनेशन आर हेल्ड एज पर दड्यूवल एंड नॉट कैंसल पोस्टपोन सही है यार और uh, देखो जो दे जस्टिस जो जो बेंच ऑफ जस्टिस जो है वहाँ पे कोर्ट के जो जज है उन लोगों ने क्या बोला एंड अनिद्रो मोड दैट सेंस इट हैज नॉट रिसीव द आई सी आई नोट इट विल हियर द मैटर ऑन ट्यूजडे तो इसको पोस्टपोन किया गया हियरिंग है उसको पोस्टपोन किया गया है इसको नेक्स्ट डे पोस्टपोन किया है मीन्स ट्यूजडे कल बताया जाएगा क्या होने वाला है एंड टॉप कोट इज इज हियरिंग द बैच ऑफ प्लीज सीकिंग डिफरेंट रिलीफ्स इंक्लूडिंग एन ऑप्ट आउट ऑप्शन फॉर द कैंडिडेट पोस्टपोनमेंट ऑफ एग्जाम एनक्रीज इन नंबर ऑफ सेंटर्स दिस ईयर तो गाइज जो जो स्टूडेंट्स प्ली कर रहे हैं उसमें मेजर यही प्ली है फॉर द पोस्टपोनमेंट ऑफ एग्जाम एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेंटर्स सेंटर्स बढ़ाने की बात की जा रही है बिल्कुल सही है सेंटर्स बढ़ाया जा सकता है इस बार एंड सही भी रहेगा ठीक है सो so, ये आर्टिकल तुम देख सकते हो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसका लिंक का एंड जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं बताता हूँ यहाँ पे तुम देख सकते हो एंड द आई सी आई से सी एग्जाम्स आर नॉर्मली शेड्यूल टू बी हेल्ड इन बट टू हाई नंबर ऑफ केस दिस पोस्पोन दैम एंड आफ्टर यूटिंग ऑल फैक्टर हैज नॉट डिसाइड टू होल्ड द एग्जाम दिस मंथ वन द नंबर ऑफ विद केस आर कम्पेटिव सही आर ये आई सी आई ए का मानना है तुम देख सकते हो अबाउट एन अरेंजमेंट इट इज़ सेट दैट एवरेज नंबर ऑफ एग्जामीज इन एन एग्जामिनेशन रूम विल बी ट्वेल्व एंड इन एनी के इज नॉट मोर दैन फिफ्टी परसेंट ऑफ द कैपैसिटी ऑफ द रूम गाइज यहाँ पे जो है आई सी आई ये बता रहा है अरेंजमेंट के लिए एक रूम में मैक्सिमम ट्वेल्व स्टूडेंट्स ही होंगे और फिफ्टी परसेंट ऑफ कैपैसिटी ऑफ रूम होंगे मतलब कि अगर एक रूम में ट्वेंटी फोर स्टूडेंट्स की कैपैसिटी है तो सिर्फ उसमें सिर्फ और सिर्फ उसमें ट्वेल्थ स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे ठीक है इट इज सेड दैट देर विल बी वन टन थाउजेंड एट हंड्रेड ट्वेंटी एग्जाम रूम्स इन एट फोर्टी सेवन सेंटर्स एंड टोटल नंबर ऑफ एग्जामीज थ्री लाख सेवेंटी फोर थाउजेंड टू हंड्रेड थर्टी सो गाइज बहुत अच्छा है यार अभी इन लोगों का अरेंजमेंट भी अच्छा है अकॉर्डिंग टू द और तुम देख सकते हो इट इज सेड दैट कैंडिडेट्स आर एगर टू अपियर इन द एग्जामिनेशन एज आउट थ्री लाखी फोर था कैंडिडेट्स एज ऑन ट्वेंटी सेवन मोर देन टू लाख एटी थाउजेंड कैंडिडेट्स हैव बीन डाउनलोडेड देयर एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड सो गाइज ढाई लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ने मीन्स सेवेंटी फाइव परसेंट स्टूडेंट्स ने एडमिट कार्ड ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है और ये ये इंडिकेट कर रहा है कि स्टूडेंट्स आर इगर टू गिव देयर एग्जामिनेशन बिकॉज दिस इज द बेस्ट टाइम यार अभी केसेस कम है रिस्क कम है अभी एग्जाम लेके सल्टा दिया जाए बहुत अच्छी बात है ठीक है सो गाइज दिस वॉज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंड ब्रीफ जो भी था यार न्यूज़ अबाउट द सी एग्जाम्स द इकोनॉमिक टाइम्स इंडस्ट्रीज तुम देख सकते हो ये बहुत ही रेप्यूटेड न्यूज़ पेपर रेप्यूटेड वेबसाइट है यहाँ का ऐसे ही कोई सिंपल या एरा ग्यारा न्यूज़ पेपर है नहीं सो ये ऑथेंटिक न्यूज़ था जो भी था सो गाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर देना साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन जरूर से जरूर प्रेस कर देना थैंक यू गाइज स्टे कनेक्टेड एंड स्टे सेफ कीप स्टार्टिंग